नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल GOBPVT को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। 10वीं के विद्यार्थी आज से कर सकते हैं स्क्रूटनी के लिए आवेदन। आज शाम से थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। इन चार शहरों की सूरत बदलेंगे IIT पटना के विशेषज्ञ इंजीनियर। नए और पुराने हाईवे के लिए बिहार को मिले 7,000 करोड़। पंजाब किंग्स की बखिया उधेड़ने के बाद रसेल ने दिया बड़ा बयान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10वीं के विद्यार्थी आज से कर सकते हैं स्क्रूटनी के लिए आवेदन। बिहार बोर्ड ने इंटर के बाद मार्च के अंतिम सप्ताह के अंतिम तारीख को मैट्रिक के नतीजे की घोषणा कर दी थी। ऐसे में जो भी विद्यार्थी अपने परीक्षा फल को लेकर खुश नहीं हुए थे, उनके लिए स्क्रूटनी की व्यवस्था फिर से शुरू हो रही है। आपको बता दें कि बोर्ड ने अब स्क्रूटनी प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वैसे विद्यार्थी जो अपने परीक्षा फल से खुश नहीं है, वो आज यानी कि 2 अप्रैल 2022 से रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 8 अप्रैल है। रामनवमी पर महावीर मंदिर में 16 बड़ी स्क्रीनों पर श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। रामनवमी हिंदू समुदाय के लोगों के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस बार रामनवमी 10 अप्रैल को मनाई जा रही है। ऐसे में श्रद्धालु इसकी तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी क्रम में रामनवमी 2022 को लेकर पटना के महावीर मंदिर में तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि इस साल रामनवमी में 2 लाख राम भक्त राजधानी पटना स्थित महावीर मंदिर आएंगे। रामनवमी के दिन 10 अप्रैल की पूर्व रात्रि 2 बजे ही महावीर मंदिर का पट खुल जाएगा। यही नहीं, मंदिर के बाहर और वीर कुंवर सिंह पार्क तक के राम भक्त मार्ग तक कुल 16 बड़ी स्क्रीनों पर भक्त हनुमान जी और राम दरबार के दर्शन कर सकेंगे। नए और पुराने हाईवे के लिए बिहार को मिले 7,000 करोड़। बिहार के नए और पुराने हाईवे के लिए केंद्र सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें 3,054 करोड़ रुपए की नई सड़क योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। आपको बता दें कि ये राशि इस मायने में महत्वपूर्ण है कि पथ निर्माण विभाग के NH डिवीजन ने 385 किलोमीटर सड़क की निविदा का लक्ष्य 100% हासिल कर लिया है। केंद्र सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी। इस स्वीकृति के बाद बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया है। आज शाम से थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। बिहार विधान परिषद MLC के 24 सीटों पर 4 अप्रैल को चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करने में भी जुटी हैं। लेकिन आज शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा। हालांकि रविवार को प्रत्याशी अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर मतदाताओं का मुनाहार करेंगे। हालांकि रविवार को प्रत्याशी अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात करेंगे। सोमवार 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से मतदान के लिए कुल मिलाकर बूथ 534 बनाए गए हैं। वहीं स्थानीय प्राधिकार चुनाव में कुल 1,34,106 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्यमंत्री ने मेट्रो रेल कार्य में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को दिया जरूरी दिशा निर्देश। पटना मेट्रो का काम किसी न किसी वजह से धीरे है। मेट्रो सुविधा का तो पता नहीं, लेकिन लोगों को इसकी वजह से जाम की परेशानी जरूर झेलनी पड़ती है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को इससे जुड़ी आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मेट्रो रेल के काम में तेजी लाया जाए, ताकि जल्द से जल्द लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने एक अणे मार्ग स्थित अपने आवास पर पटना मेट्रो रेल निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक में ये बातें कही। साथ ही अधिकारियों को इससे जुड़ी आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है। इन चार शहरों की सूरत बदलेंगे IIT पटना के विशेषज्ञ इंजीनियर। IIT पटना के विशेषज्ञ इंजीनियर बिहार के 4 शहरों की सूरत बदलने जा रहे हैं। पटना समेत स्मार्ट सिटी की रेस में चुने गए बिहार के 4 शहर पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में IIT पटना के विशेषज्ञ इंजीनियर इससे जुड़े प्रोजेक्ट के मूल्यांकन से लेकर निर्माण की गुणवत्ता IIT के विशेषज्ञ इंजीनियर की टीम देखेगी। आपको बता दें कि हाल ही में इन चारों शहरों के लिए थर्ड पार्टी असेसमेंट का जिम्मा IIT पटना को मिला है। केंद्र सरकार ने बिहार के ग्रामीण बैंकों को पूंजीगत राशि की दी स्वीकृति। बिहार के ग्रामीण बैंक को केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ से अधिक की पूंजीगत राशि स्वीकृत की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को 1100 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की। वहीं दक्षिण बिहार के ग्रामीण बैंकों को 500 से अधिक पूंजीगत राशि स्वीकृत की गई है। ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार का 50%, प्रायोजक बैंक का 35% और राज्य सरकार का 15% का शेयर है। इसीलिए उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 404 करोड़ से अधिक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक पंजाब नेशनल बैंक 185 करोड़ से अधिक और बिहार सरकार को 252 करोड़ से अधिक का पूंजीगत अंशदान करना है।
अब 6 महीने का डीपीई कोर्स करने वाले भी बन सकेंगे प्रधान शिक्षक। प्रधान शिक्षक बनने में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम जानकारी है। बीपीएससी ने इस पद को प्राप्त करने के लिए 6 महीने के संवर्धन कोर्स के साथ डीपीई को डीएलएड के समकक्ष मान्यता दे दी है। इससे राज्य के लगभग 1,00,000 शिक्षकों को फायदा पहुंचेगा। दरअसल जिन्होंने 6 महीने का संवर्धन कोर्स किया है ऐसे डीपीई योग्यता प्राप्त शिक्षक भी प्रधान शिक्षक यानी कि हेडमास्टर बन सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि सरकार के इस फैसले से बीपीएससी से निकाली गई प्रारंभिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक के 40,506 रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस बहाली के लिए 28 मार्च से 22 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तय समय पर केवाईसी नहीं करवा पाए किसान के लिए अहम सूचना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 60,00,000 लाभुक तय समय तक अपना केवाईसी नहीं करवा पाए हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो काम पहले मुफ्त में होता था उसके लिए उनको रुपए चुकाने होंगे। हालांकि सरकार ने समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च से 31 मई कर दी है लेकिन सुविधाएं कम कर दी गई हैं। इसके बाद अब किसानों को हर हाल में सुविधा केंद्र पर जाना होगा और केवाईसी के लिए 15 रुपए मूल्य चुकाने होंगे। करीब ऐसे 60,00,000 किसान है जिसका केवाईसी तय समय पर नहीं हो सका है। मालूम हो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए सरकार ने केवाईसी जरूरी कर दी है। बिहार के 6 जिले हैं लू की चपेट में। बिहार का मौसम फिलहाल समझ से परे है। कभी लू भरी हवा तो कभी आसमान में बादल देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बिहार के 6 जिले प्रचंड गर्मी के चपेट में जरूर है। इन जिलों में पछुआ हवा ने कहर मचाया हुआ है। आपको बता दें कि बिहार के गया, औरंगाबाद, रोहतास, जमुई, बांका और बक्सर जिले में अधिकतम पारा 40 डिग्री के पार चला गया। पिछले 2 दिनों में इन जिलों में 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा बह रही है। साथ ही राज्य के अन्य हिस्सों में पूर्व हवा का प्रवाह है। इस वजह से औसत अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री के बीच है। पटना में भी पारा सामान्य के आसपास है और आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए हुए हैं जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत है। अगर वैष्णो देवी जाने के लिए हेलीकॉप्टर का ऑनलाइन लेते हैं टिकट तो हो जाए सावधान। अगर आप भी माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने के लिए ऑनलाइन टिकट करवाते हैं तो सावधान हो जाइए। आपकी आंखों से परे ना जाने कितने ठग आपको ऑनलाइन माध्यम से आपके पैसे वसूल रहे हैं। दरअसल बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने 3 ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा है जो कि वैष्णो देवी तीर्थ यात्रियों को हेलीकॉप्टर यात्रा का जाली टिकट ऑनलाइन माध्यम से देकर रुपए वसूल कर रहे थे। ईओयू के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान ने यह जानकारी दी है। मालूम हो कि आर्थिक और साइबर अपराधों पर प्रभावी रोकथाम लगाने और नियंत्रण के लिए नोडल एजेंसी और बिहार पुलिस की विशिष्ट इकाई भी है। एक और अधिकारी पर चला निगरानी विभाग का डंडा। एक बार फिर से निगरानी विभाग ने भ्रष्ट अधिकारी को शिकंजे में लिया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में मुजफ्फरपुर के मुसहरी ब्लॉक में पदस्थापित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के ठिकानों पर निगरानी विभाग ने छापा मारा है। हाजीपुर स्थित घर में छापेमारी के पहले घंटे ही अधिकारी के घर से 12,00,000 कैश और 1 किलो सोना बरामद हुआ। साथ ही दिल्ली में 2 फ्लैट और 10,00,000 के किसान विकास पत्र मिले हैं। यही नहीं मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित ग्रैंड मॉल में करीब 1.5 करोड़ रुपए से 2 दुकान खरीदा गया है। मिथिलांचल में उमगांव से महिषी तक बनेगा धार्मिक कॉरिडोर। यातायात को सुलभ और सुगम बनाने की दिशा में बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में धार्मिक स्थल मिथिलांचल में बिहार सरकार कुछ विशेष करना चाहती है। आपको बता दें कि बिहार के लिए घोषित विशेष पैकेज में भारतमाला धार्मिक संपर्क योजना के तहत उच्चैठ भगवती स्थान से महिषी तारास्थान को जोड़ने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी और अब मिथिलांचल में प्रस्तावित नेशनल हाईवे की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा 2 अन्य सड़कों को भी अनुमति मिल गई है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा बिहार को है योगी मॉडल की जरूरत। बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि बिहार सरकार अपराधों को रोकने में सक्षम है लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अपराध को रोकने के लिए बिहार में भी योगी मॉडल की जरूरत है। दरअसल योगी मॉडल और नीतीश मॉडल को लेकर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी हाल ही में तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि दोनों मॉडल बेकार है, यदि इनका बस चले तो योगी आदित्यनाथ को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना दे। इसको लेकर जब तारकिशोर प्रसाद से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से तो मना कर दिया और कहा कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी मेरी मां स्वरूपा आदरणीय है, उनकी बातों पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। पंजाब किंग्स की बखिया उधेड़ने के बाद रसेल ने दिया बड़ा बयान। आईपीएल के 8वें मुकाबले में केकेआर की तरफ से एंथनी रसेल का जादू देखने को मिला। पंजाब के खिलाफ उन्होंने इतने बाउंड्री लगाए कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और रसेल ने 8 छक्के और 2 चौकों की मदद से 31 गेंद पर नाबाद 70 रन बनाए और केकेआर को आसान जीत दिलाई। रसेल ने पारी को याद करते हुए कहा कि क्रीज पर सैम जैसा कोई होना चाहिए था जो स्ट्राइक रोटेट कर सकता हो और कठिन समय में हमारी मदद कर सके। एक बार जब मुझे पसीना आने लगा तो मैंने बस इतना कहा कि मैं मारने वाला हूं। मैंने अपनी क्षमता का सपोर्ट किया और इसलिए मैं आज
ऐसा कर पाया हूँ। मैं टीम को लाइन पर लाकर खुश हूँ। टीम को जो कुछ भी चाहिए मैं उसे करने में खुश हूँ। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कविता कुमारी, मनोहर कुमार, जितेंद्र कुमार, नेहा भार्गव, शंकर मुखिया, रेशमा कुमारी, आतिश ठाकुर, राकेश महतो, आशुतोष कुमार, मोहम्मद एहसान। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार अपराधों को कम करने में सक्षम है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।